देव नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट मोटा द्वारा वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ना मातृश्री ना अर्थे भागवत कथा नुं आयोजन करवामां आव्युं छे। बारडोली तालुकाना मोटा गामे 22मी जानुआरी थी 30मी जानुआरी दरमियान आ कथानुं आयोजन करायुं छे। देशना वडाप्रधान एवा नरेंद्र मोदीना मातृश्री स्वर्गस्थ हीराबाना स्मरणार्थे सूरत जिल्लाना बारडोली पंथकमां प्रथमवार एक अनोखुं आयोजन जोवा मळी रह्युं छे। स्वर्गस्थ हीराबाने श्रद्धांजलिना भागरूपे तेओना स्मरणार्थे बारडोली तालुकाना मोटा गामे देवनारायण गौतम खाते देवी भागवत कथानुं आयोजन करवामां आव्युं। कथाकार प्रफुल्लभाई शुक्ल आ कथा नो रसपान करावाना छे। तारीख 22मी जानुआरी थी 30मी जानुआरी दरमियान बपोरे 2 वाग्या थी सांजे 5 वाग्या सुधी आ कथा नो समय राखवामां आव्यो छे। देवनारायण गोधाम मोटानी अंदर पूज्य ताराचंद बापू द्वारा आखा विस्तारनो खाली बारडोली तालुको नहीं पण समग्र गुजरातनो एक जबरदस्त पुरुषार्थ अहींया परमार्थनुं काम थई रह्युं छे। हजारों बहनों ने साड़ी वेचाई है, हजारों गरीबों अंग पर ब्लेंकेट ढाबड़ा उधाड़ा है, हजारों विद्यार्थियों ने यूनिफॉर्म और नोटबुक आखा वर्ष दरमियान एनु माप नहीं एटलू गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र उत्तरांचल उत्तरखंड बधेज एमना द्वारा आ सत्कार्य थई रह्यु छे। अने विशेषतम गायों की सेवा जे गायों कतलखाने गई होने छोड़ाने एने जीवतदान आपने ताराचंद बापू ने त्यां एनी सेवा थई रही छे। ए गौशालाने लाभार्थे माघ नवरात्रि जेने गुप्त नवरात्रि कहे छे एवा पावन दिवसे 9 दिवस अहींया देवी भागवतनी कथानुं आयोजन थयुं छे। साथे साथे एक अनुसंधान जोड़ायुं छे। आवती तारीख 24मी फेब्रुआरीथी सूरतनी अंदर ब्रह्मक्षत्रिय समाज द्वारा अहींया अमारा मनीषभाई अने बहेनो बैठा छे, एमने हिंगलाज माताना मंदिरने लाभार्थे अने संस्कृत पाठशालाने लाभार्थे हूँ भागवत कथानुं आजे मुहूर्त आपी रह्यो छूँ। आ सुबक समन्वय अहींया योजाई रह्यो छे। आ 9 दिवसनी देवी भागवत कथा एक विशेष कथा बनी रही छे। माघ महिनानी नवरात्रिमां देवी भागवतनुं दर्शन करवाथी पुण्य मळे छे, तो कथा श्रवण करवाथी केटलुं पुण्य थशे ए एक सौथी विशेषता ए छे कि गुजरातमां ज नहीं समग्र भारतमां आ पहेल वहेलो प्रसंग छे। माननीय वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीना मातुश्री स्वर्गस्थ हीराबा अने ताराचंद बापूना माता पिता स्वर्गस्थ जेठमलजी अने स्वर्गस्थ पुष्पाबाना स्मरणार्थे हीराबाने स्मरणार्थे जो भागवत थई रह्यो होय तो आ पहेलो प्रसंग छे आखा हिंदुस्तानमां। अने आ कथानुं पुण्य ए दिवंगत आत्माओने छेल्ले दिवसे अर्पण करवामां आवशे। देवनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वर्षोथी सेवा परंपरा काम करवामां आवी रह्या छे, जेमां भूख्याने भोजन, जरूरतमंदोने आर्थिक सहाय अपाई छे। विद्यार्थीने किट वितरण साथे गुजरात तेमज महाराष्ट्र सहित देशना आर्थिक पछात विस्तारोमां सेवा कार्य सेवाकीय कार्यो करवामां आवी रह्या छे। आ कथानो विचार एटला माटे आव्यो कि हीराबा जेवी एक महान शक्ति आत्मा जेणे आज एक महान पुत्रनो जन्म आप्यो, आजे आपणा देशमां ज नहीं पण आजे वर्ल्डमां एमनुं नाम थयुं, एटला माटे मैं विचार कर्यो अमारा गुरुजीने कहेवाथी कि भाई आ एक कथा देवी भागवत कथा आपणे अहींया करावीए गौशाळामां, एटले गौशाळाना सानिध्यमां आ आत्माओने शांति मळे। के लगभग मारा माता पिता पण गया छे, એમની આત્માને પણ શાંતિ મળે એટલા માટે આ ત્રિવેણી સંગમ અને પાછી આ જે નવરાત્રિ છે એ અમારા ગુરુને કહેવા પ્રમાણે પોષ માસ મા મહિનાની નવરાત્રિ છે અને ગુપ્ત નવરાત્રિ છે। તો મેં અનેક 4 કથા તો મેં કરાવી છે, તો મેં કહ્યું માતાજીની કથા બાકી નહીં રખાય, તો જગજનની કથા આજથી શરૂઆત થઈ રહી છે। એમાં મારા દેવનાળ પરિવારના ખાસ અમારા મિત્ર કિરણભાઈ દેસાઈ જે ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યા છે, અને મારો પૂરો દેવનાળ પરિવાર અમારી સાથે આવેલા અમારા લાલજીભાઈ દેવનાળ પરિવારના હોમજી કથિરિયાજી ડૉક્ટર અને અનેક અમારા પરિવારના લોકોને ઉત્સાહ છે। બોમ્બેથી પણ લોકો આવે છે અત્યારે, તો મને ખૂબ આનંદ થયો કે એક હીરાબાની આત્માને અને મારા માતા પિતાની આત્માને શાંતિ મળે એટલા માટે આ કથા કરાવી રહ્યા છે।
देवी भागवत कथा आजथी शुरू थनार होय पोथी यात्रा साथे कथानी शुरुआत करवामां आवी हती अने कथानी शुरुआतमां ज स्वर्गस्थ हीराबानी प्रतिमाने महानुभवो अने पूज्य ताराचंद बापू द्वारा पुष्प अर्पण करी श्रद्धांजलि आपवामां आवी हती अने कथानी शुरुआत करवामां आवी हती। सुरेश राठौर नो रिपोर्ट, बारडोली।